तो ये है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, और आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम अपने इमेज को किस तरह से रिसाइज कर सकते हैं, मींस कि हम उसके एमबीज को किस तरह से केबीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमें कहाँ पर काम आता है। वो तमाम तर वेबसाइट्स जहां पर हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 MB की पिक्चर को अलाउड करते हैं। तो मैं आज आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है फोटो रिसाइजर, जिसके जरिए हम अपनी तस्वीर की पिक्चर क्वालिटी तो सेम टू सेम वैसी ही रखेंगे, लेकिन उसके एमबीज को रिसाइज करके केबीज में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारी कंप्यूटर और लैपटॉप की मीन्स स्पेस जो है वो कम से कम यूज हो सके, और हमारी तस्वीर जो है वो बेहतर तरीके से हमारी प्रोफाइल पिक्चर में किसी भी वेबसाइट के लिए अवेलेबल हो। तो ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जी मैंने अपने ब्राउजर खोल लिया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फास्ट स्टोन फोटो रिसाइजर। ये टाइप करेंगे आप, ये यहाँ से जो है साइट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड के वर्जन में जाएंगे। डाउनलोड के वर्जन में आप यहाँ से इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे। 4 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको पसंद आए वो कर लें, लेकिन बेहतर यह है कि पीसी और लैपटॉप के लिए हम exe फाइल को ही रखेंगे। तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो मैंने तो इसको पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको मजीद आगे तमाम तर प्रोसीजर समझाता हूँ। तो जैसे कि ये हो गया है इंस्टॉल, तो यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम जाते हैं जी अपनी मतलूबा स्पेस के ऊपर कि हाँ से हमने तस्वीर उठानी है, जहाँ पे भी हमने रखी हुई है तस्वीर। तो मेरे पास ये तस्वीरें कुछ पड़ी हुई हैं मेरी क्यू ड्राइव के अंदर, यहाँ से जी मैं इन तस्वीरों को उठाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये एमबीज वाली तस्वीरें किस तरह से केबीज में बदलती हैं। तो ये देखें, ये तस्वीरें हैं और ये आगे एमबीज लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर उठाता हूँ 4.8 MB की, ये मैंने तस्वीर उठाई, ये इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड, और ये इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सेटिंग्स में दोबारा सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ मैंने इसकी सेटिंग्स पहले 10 पर हुई हुई थी 5 पर कर दिया, और यहाँ से जी मैं कहता हूँ कि इस कलर्स को ना छेड़ा जाए, और कलर्स ये सब सैम्पलिंग जो है इसको मीडियम रख दिया जाए, और यहाँ से इसको ओके कर दें। ठीक है, जैसे हम इसे ओके कर देंगे तो यहाँ हमें देना पड़ेगा पाथ, तो मैंने डेस्कटॉप का पाथ दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे जी कन्वर्ट। तो जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करें, ये तो आप हम मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ओल्ड साइज जो था वो इसका था 4.9 MB, और न्यू साइज जो है वो इसका है 872 KB। तो मैं इसकी नई और पुरानी तस्वीर दोनों ही आपको खोल कर दिखाऊंगा, 4 MB वाली भी और ये 8.72 KB वाली भी, ताकि आपको पता लगे कि इसकी ताकि आपको पता चले कि इमेज क्वालिटी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ MBs जो हैं वो KBs में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से डन, और ये मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर, ये तस्वीर है, ये जी मेरे शरारती बेटे की तस्वीर है, और ये देखें इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पर यहाँ प्रॉपर्टीज में गया, तो ये आपको 872 KB की शो हो रही है। ठीक है, आप इसकी पिक्चर क्वालिटी एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये जूम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई ख़ास फर्क नहीं है। यहाँ से मैं इसे करता हूँ क्लोज, और अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल पिक्चर भी दिखाता हूँ, जो जिस ओरिजिनल पिक्चर को मैंने कन्वर्ट किया है। तो ये आ गई इधर, और ये देखिए इसमें कोई ख़ास फर्क महसूस हो रहा है आपको, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये प्रॉपर्टीज इसकी 4.8 MB। तो ये थी छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो।
किस तरह से आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, उसकी एमबीज को केबीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन और पीसी के अंदर जगह को सेव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये होती है कि बास जगह ऐसी साइट्स के ऊपर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है जहां पर उन्होंने कह रखा होता है कि आप अपनी जो पिक्चर लगाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2 MB की होगी। तो वहां बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरह हम अपने तस्वीर की MBs को KBs में कन्वर्ट करें या तस्वीर को हम किस तरह से रिसाइज करें, तो वहां बड़ी टेंशन होती है। तो उसका सलूशन आपको इस वीडियो में मिल गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये छोटी सी काविश आपको किस तरह की लगी है। अल्लाह हाफिज़।